Hello friends, I Susanta. Welcome you all to class 9 history. Chapter number 1, we are continuing French Revolution. So today we'll start from France becomes a constitutional monarchy. France संविधानिक राजतंत्र बन गया. तो कैसे बना, चलो देखते हैं. National Assembly ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया. इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी इसमें विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया. इस प्रकार फ्रांस में संविधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी. जो पिक्चर नंबर 7 जो दिया गया है, देखो कि कैसा न्यायपालिका, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो दिया गया है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, किसके साथ संबंध क्या है, ये देखो. इन द ईयर ऑफ 1791 इसके संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया. नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी. सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे. सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था. तो किसको मतदान का अधिकार था, थोड़ा ध्यान से सुनो. 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन का मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे. शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था. मतलब एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन किसको बोला जाता था, जो कि एक मेल होना चाहिए, उसका उम्र 25 से ज़्यादा होना चाहिए और ये 3 दिन की मजदूरी देना चाहिए, और बाकी सबको पैसिव सिटीजन्स बोला जाता था. निर्वाचन की या निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में ये होना जरूरी था. मतलब सिर्फ रिच पीपल ही जा सकते थे असेंबली को. संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था. जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया. अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता. राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे. नेक्स्ट में आपकी किताब में जो दिया गया है द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसको थोड़ा गौर से देखें, है ना. ये जो पॉइंट में दिया गया है इसको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लो. नेक्स्ट पॉइंट में से दिया गया है कि रीडिंग द पॉलिटिकल सिंबल्स, राजनीतिक जो प्रतीकों के ये मायने. क्या क्या दिया गया था, जो 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए ये छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था. जो इसमें ले बर्विये ने अपनी जो पेंटिंग, इसमें अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया. आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें. फर्स्ट वन, इट इज गिवन द ब्रोकन चेन, टूटी हुई जंजीर. तो इसका मतलब क्या होता था, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था. टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, द बंडल ऑफ रॉड्स और फैसिस्ट, छड़ों का बर्छीदार गठार, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं.
एकता में ही बल है। नेक्स्ट पॉइंट, द आई विद इन ए ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर रोशनी दिखते हैं आंख। जो सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। नेक्स्ट में सिंबल ऑफ रॉयल पावर, राजदंड, इस शाही सत्ता का प्रतीक। नेक्स्ट स्नेक, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, जो सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इट इज, जो रेड कलर का कैप, लाल जो टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाला टोपी। नेक्स्ट डिफरेंट कलर, ब्लू व्हाइट एंड रेड, नीली सफेद लाल, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है ना, फ्रेंच फ्लैग। नेक्स्ट इट इज, जो समबडी इज फ्लाइंग, इसे डोनो वालिस, जो स्त्री, कानून का मानवीय रूप। द लास्ट वन इट इज, जो सम राइटिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक दैट, विधि पट, कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। सो नाउ वी विल गो फॉर द फ्रांस अबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में ये तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा उससे उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक ये भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की जो गर्मियों के बाद ये होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशिया एवं ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए ये जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि जो राजेट दी लाइल द्वारा रचित मर्सिले भी था। यह गीत पहली बार जो मर्सिलेस के जो काम स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कुछ करते हुए गया था, इसलिए इस गाने का नाम मर्सिल्स हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां ये झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम जो पेरिस के भूतपूर्व कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इसके नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। अध्याय के खंड 4 में और पार्ट 4 में अब उनकी जो गतिविधियों
एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। जैकबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, जो पेस्ट्री बनाने वाले, जो घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर, ये सब मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलन रोबेस्पियर था। जैकबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी जो कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने इसका निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के जो वर्ग थे, पेशन परस्त या जो खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ये ब्रीचर्स या घुटना ये पहनने वाली कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। जो ड्रेस दिया गया आपको किताब में देखो राइट साइड में, यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। इसलिए जैकबिन का जो शोक जो कुलांग इसका नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सो कुलीन पुरुष और लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं था। डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द डे। वंस अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। थैंक यू।